हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? रिदमिक सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन फर्टाइल वुमेन। तो जो एक फर्टाइल वुमेन होती है, ठीक है, उसके अंदर एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से रिदमिक सीरीज बनती है, ठीक है। उस सीरीज के कारण ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में होता है, कुछ हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होता है ये, ठीक है। नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है, और इसकी जो एवरेज लेंथ होती है वो 28 डेज की होती है, ठीक है। बट टिपिकली वेरीज विद शॉर्टन एंड लॉन्गर साइकिल, पर कुछ वेरीज भी हो सकती है किसी वुमेंस में, जो साइकिल है वो शॉर्टर भी हो सकती है और किसी वुमेंस में लॉन्गर भी हो सकती है साइकिल, ठीक है। मेनार्के क्या होता है? तो मेनार्के क्या होता है? ए वुमन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, एक वुमन का फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है उसको मेनार्के बोलते हैं, ठीक है, जो कि टिपिकली 12 या 13 एज में होता है, ठीक है। अकर्स डिपेंड ऑन ओवरऑल हेल्थ एंड डाइट। और मेनोपॉज क्या होता है? एंड ऑफ वुमेंस रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एंड है उसको मेंस्ट्रुअल मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। कॉमनली अकर बिटवीन 45 टू 55 ईयर एज, ठीक है। एज ऑफ मेनोपॉज इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक्स। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी ऑब्जर्व एट 3 डिफरेंट लेवल, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो 3 लेवल्स पे होता है, ठीक है। उसके 3 लेवल्स पे होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो न्यूरो एंडोक्राइन लेवल, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन लेवल पे, ठीक है, मतलब कुछ पिट्यूटरी से और हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उनकी वजह से जो यूट्रस और ओवरीज में चेंजेस आते हैं, ठीक है, और दूसरा ओवरी एंड यूट्रस। तो ये 3 लेवल है, इनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेज। 3 फेज में 3 फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। पहली होती है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड होती है प्रोलीफरेटिव या फोलिकुलर फेज या एस्ट्रोजन फेज, ठीक है। इसके अंदर ईस्ट्रोजन का रिलीज होता है। और थर्ड होती है सिक्रीटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज, इसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज। तो इससे पहले मैं आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगी, ये देखिए। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होता है GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो LH और FSH का रिलीज करती है, ठीक है। GnRH के स्टिमुलेशन के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जो कि ओवरीज पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? फोलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, उनको मेच्योर करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ओवुलेशन करवाता है, जो कि अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये ओवरी पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। और उनकी वजह से क्या होता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का भी सिक्रीशन होता है, ठीक है। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस पे ये नेगेटिव फीडबैक डालते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि LH और FSH का सिक्रीशन, पहले तो हाइपोथैलेमस GnRH का सिक्रीशन कम कर देगा, और उसकी वजह से LH और FSH का सिक्रीशन भी बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम है तो वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसकी वजह से हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा, ठीक है। और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का इफेक्ट जो होता है वो यूट्रस पे होता है, ठीक है। अब क्या इफेक्ट होता है वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज।
मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, मेंसेस पीरियड, चेंजेस ऑफ ब्लडी फ्लूड कंटेनिंग एंडोमेट्रियम सेल्स, ग्लैंडुलर सिक्रीशन एंड ब्लड सेल, लास्ट 3 to 5 days. ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है वो 3 to 5 days की होती है, नहीं, जो मेंस्ट्रुएशन है वो 3 to 5 days तक चलता है, जिसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है. ठीक है, मेंसेस भी बोलते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है, ब्लडी फ्लूड कंटेनिंग एंडोमेट्रियल सेल्स होती हैं. ठीक है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन होती हैं और कुछ ब्लड सेल्स भी होती हैं. ठीक है, रिजल्ट द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी, फंक्शनल स्टेटम ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यू डाइज एंड इट डिस्चार्ज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. ठीक है, एंडोमेट्रियम बिकम वेरी थिन बट ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल हाइपोफाइसिस सीक्रेट मोर FSH. ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस की वो बहुत थिन हो जाती है, क्योंकि जो उसकी थिकनेस थी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में निकल गई. ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल जो एंडोमेट्रियम थी वो शेड ऑफ हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में. ठीक है, तो अब क्या हुआ, एंडोमेट्रियम जो होगी वो थिन हो गई है. ठीक है, तो थिन हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बट ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल. ठीक है, तो एस्ट्रोजन लेवल का भी, एस्ट्रोजन का लेवल है वो भी उस समय लो रहता है. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगी. ठीक है, उसको नेगेटिव फीडबैक जाएगा, तो क्या होगा, जो पिट्यूटरी है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रिएट करेगी. ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन के क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सिक्रीशन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन. ठीक है, तो FSH क्या करेगा, जो एस्ट्रोजन है उसको सिक्रीट करेगा. ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन होने के लिए, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगा FSH हार्मोन. ठीक है, और उसके बाद में जो एस्ट्रोजन होगा वो जो एंडोमेट्रियम की बेजल लेयर है उसको सिग्नल भेजेगा, किस लिए, प्रोलिफरेशन होने के लिए. ठीक है, प्रोलिफरेशन या फिर उसका वापस से डेवलपमेंट, एंडोमेट्रियम का वापस से डेवलपमेंट होने के लिए, उसको वापस मैच्योर होने के लिए जो है उसको सिग्नल देगा एस्ट्रोजन. ठीक है, इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं. देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ से आप लगा 0 to 0 to, ये 0 to 28 days का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, 0 to 14 days तक का हम एक बार डिस्कस करते हैं. तो इस ये उनसे होती है फोलिकुलर फेज होती है. ठीक है, और 14 to 28 days की होती है ल्यूटियल फेज. तो सबसे पहले हमने अभी मेंस्ट्रुअल फेज की बात करी है, तो मेंस्ट्रुअल फेज में 0 to 5 days तक यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज रहती है, जिसके अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस अच्छी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, शेड ऑफ होते होते एंडोमेट्रियम थिन हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है, यहाँ थिन होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि जो पिट्यूटरी है उससे एस्ट्रोजन, जो पिट्यूटरी तक सिग्नल जाएगा तो वो क्या करेगी, FSH का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, तो जो ये आप पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है, तो यहाँ पे जो ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं आप, तो ग्रीन लाइन यहाँ पे क्या करेगी, जो FSH है उसका सिक्रीशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और FSH के सिक्रीशन के क्या कारण होगा, यहाँ पे ईस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन के कारण जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ने लग जाती है. ठीक है, और ठीक है, यहाँ तक अभी देखते हैं. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं फोलिकुलर फेज. फोलिकुलर फेज में क्या होता है, ड्यू टू राइजिंग ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल, सेवरल ओवेरियन फोलिकल आर स्टिमुलेटिंग. ठीक है, फोलिकुलर कंप्लीट विद ईच अदर फॉर डोमिनेंस, द फोलिकल कैन रीच मेच्योरिटी इज कॉल्ड ग्राफियन फोलिकल.
तो फोलिकुलर फेज में क्या होता है कि जो FSH है वो क्या करता है कि जो ओवरी में फोलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देता है, उनको मैचुरेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और फोलिकल्स के बीच में एक दूसरे से कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरे को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से एक ही फोलिकल जो होता है वो मैच्योर होता है, और फोलिकुलर दैट रीच मैच्योरिटी इज कॉल्ड ग्राफियन फोलिकल। और जो फोलिकल वो जो मैच्योर होगा, ठीक है, उसको ग्राफियन फोलिकल बोलते हैं। एज दे मैच्योर द फोलिकल सिक्रीट इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन विच थिकन द न्यू फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इन यूट्रस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ईस्ट्रोजन आल्सो स्टिमुलेट क्रिप्टस इन द सर्विक्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है। ईस्ट्रोजन जो म्यूकस है सर्विक्स के अंदर जो फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस का भी सिक्रीशन करता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ फेज ओवुलेशन अकर, इस फेज की एंड तक ओवुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जो ईस्ट्रोजन FSH जो सीक्रेट हो रहा था यहाँ से थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो हम देखते हैं ये ओवेरियन साइकिल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ये प्रीमोर्डियल फोलिकल्स होता है, ठीक है। सबसे पहले जो ये दिख रहा है आपको, ये प्रीमोर्डियल फोलिकल्स होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ये सिंगल एपिथेलियल सेल्स का ही बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो प्राइमरी ऊसाइट है वो ही होता है, ठीक है। इसके अंदर जो प्राइमोर्डियल फोलिकल है उसके अंदर प्राइमरी ऊसाइट होता है। उसके बाद में धीरे धीरे ये FSH के इफेक्ट के कारण क्या होता है कि ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में प्राइमरी फोलिकल्स बन जाता है, उसके बाद में ये प्राइमरी फोलिकल्स बन जाता है, ठीक है। और प्राइमरी फोलिकल्स भी धीरे धीरे फिर सेकेंडरी, ठीक है, फिर टर्सरी फोलिकल्स बन जाता है, ठीक है। और इसके अंदर भी जैसे कि देख रहे हैं आप, खाली स्पेस भी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि मैच्योर फोलिकल्स बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में टर्सरी के बाद में मैच्योर फोलिकल्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि फोलिकल्स तो मैच्योर फोलिकल्स बन गया, लेकिन इसके अंदर जो ऊसाइट होगा वो भी सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगा। यहाँ पे जो प्रीमोर्डियल फोलिकल्स था उसके अंदर प्राइमरी ऊसाइट था, लेकिन मैच्योर फोलिकल्स के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी ऊसाइट होगा, ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्राफियन फोलिकल, ठीक है। तो ये यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक ग्राफियन फोलिकल्स बन जाता है, 14 जो कि 14 डेज पे ग्राफियन फोलिकल बन जाता है, ठीक है। इस दौरान क्या होगा, जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो भी इंक्रीज होगा 14 डेज तक, ठीक है, और जो FSH है उसका लेवल भी इंक्रीज रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ओवुलेशन देखते हैं, तो ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज ईस्ट्रोजन सप्रेस प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगा, तो फोलिकुलर फेज के दौरान क्या होता है, ईस्ट्रोजन क्या करता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सप्रेस रखता है, ठीक है। और लेकिन उस दौरान फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ता रहता है, उसी वजह से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, और ईस्ट्रोजन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सप्रेस रखता है। व्हेन द ओवम हैज नियरली मैच्योर्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन रीच द थ्रेशहोल्ड, ठीक है। और जब ओवुलेशन का टाइम आता है, ओवम के मैच्योर होने का टाइम होता है, उस समय क्या होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद में क्या करता है कि पॉजिटिव फीडबैक से वो क्या करता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी से उसके बाद में, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि रिलीज द LH मैच्योर द ओवम वीकनेस द वॉल ऑफ फोलिकल्स इन द ओवरी, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओवम को भी मैच्योर करता है और जो फोलिकल्स हैं उनकी वॉल को भी थिकन कर देता है ओवरी के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवम है वो
फोलिकल्स से बाहर आ जाता है, ठीक है। जो फोलिकल और किवाल ठीक वीकन हो गई, वीक हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, फोलिकल रप्चर हो जाएगा और जो ओवम है वो फोलिकल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फुल्ली डेवलप्ड फोलिकल फुल रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। जो ओवम है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, वो फोलिकल से बाहर आ जाएगा। आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम ओवरी द ओवम इज स्वेप्ट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंडरी ओसाइट या फिर जो ओवम जो रिलीज हुआ है ओवरी से, वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर आ जाएगा। फेलोपियन ट्यूब के कैसे अंदर आएगा, जो फेलोपियन ट्यूब्स का जो टर्मिनल एंड होता है फिम्ब्रिय, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर और फोलिकुल फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो ओवम है वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम सॉलिड बॉडी फॉर्म इन एन ओवरी आफ्टर द ओवम हैज़ बीन रिलीज्ड इनटू द फोलिकुलर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो जो कार्पस ल्यूटियम जो बच जाती है, कार्पस ल्यूटियम कौन सी होती है दिखाती हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो 14 डेज पर यहाँ पे देखा आपने कि ओवुलेशन हो गया, यहाँ 14 डेज पर यहाँ पे जो होता है फोलिकुल से जो ओवम है वो रिलीज होकर बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद में ओवम तो बाहर आ गया लेकिन जो बॉडी पीछे रह गई है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, जो इसको कि येलो बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। 14 डेज पर जो ये जो ग्राफियन फोलिकल है ये रप्चर हो गया, ठीक है, और ओवम बाहर आ गया और जो पीछे ये बॉडी रह गई इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम या फिर येलो बॉडी, ठीक है। और ये जो रप्चर कैसे हुआ है कि 14 डेज पर LH का सिक्रीशन भी ओवरी के द्वारा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा LH का सिक्रीशन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रप्चर है वो होता है फोलिकल्स का, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो ये येलो बॉडी बनती है, ठीक है, येलो उस येलो बॉडी के कारण क्या होता है कि जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है, ठीक है। जो येलो बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ाने लग जाती है, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करने लग जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लू लाइन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है और कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ाती है, ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट करती है लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन का जितना नहीं करती है, ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम करती है और प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन ज़्यादा करती है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और उसके बाद में क्या करती है, प्रोजेस्ट्रॉन नेगेटिव फीडबैक भेजती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट किया और जो प्रोजेस्टर ने वो वापस नेगेटिव फीडबैक भेजती है ब्रेन को, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका रिलीज कम हो जाता है, ठीक है, उसका रिलीजिंग बंद हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो FSH है और LH हार्मोन है उनका सिक्रीशन भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस लेवल पे आप देखते हैं कि FSH और LH दोनों का जो सिक्रीशन है वो बिल्कुल बंद हो गया है, ठीक है, उनका लेवल लो हो गया है, ठीक है। और उसके बाद में अगर फर्टिलाइजेशन अगर होता है, ठीक है, ओवम वहाँ पे आ गया है फेलोपियन ट्यूब्स में आ गया, अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो यहाँ पे बनी है ये कंटिन्यू रहती है और जो ये कंटिन्यू प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन करती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है उसकी वजह से देखिए ये एंडोमेट्रियम भी थिकन यहाँ पे मोर थिकन होने लगी है प्रोजेस्ट्रॉन के इफेक्ट के कारण, ओइस्ट्रोजन के इफेक्ट के कारण। तो जो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये एंडोमेट्रियम कि है जो ये मेंटेन रहती है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन के कारण, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो पोस्ट मैच्योरिटी में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि यूट्रस की मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज के कारण क्या होता है, यूट्रस की मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, और जो थिक लेयर बनी होती है वो टूट जाती है, ठीक है, ये थिक लेयर जो होती है वो शेड ऑफ हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। और उस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट स्टार्ट हो जाता है, इसी दौरान क्या होता है, जब ये प्रोसेस हो रहा है उसी समय क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी क्या होती है, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको कि कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, ठीक है। तो
उसके बाद में जो है प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का लेवल भी डाउन होने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है, और वापस से वही फेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ईस्ट्रोजन सप्रेस प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, व्हेन द ओवुलेशन हैज नियरली मैच्योर्ड, जब ओवम मैच्योर होता है, लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन रीच थ्रेशोल्ड अबव विच दे स्टिमुलेट, सॉरी ओवुलेशन तो हमने पढ़ लिया था, अब देख ल्यूटियल फेज पढ़ना है अपने को, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम सॉलिड बॉडी फॉर्म एंड ओवरी आफ्टर द ओवम हैज बीन रिलीज इनटू फॉलिकल ट्यूब। ठीक है, प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच प्ले ए वाइटल रोल मेकिंग द एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव टू इम्प्लांट द ब्लास्टोसिस। ठीक है, जैसे मैंने बताया प्रोजेस्टेरोन जो होगा वो एंडोमेट्रियम को मेच्योर रखता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन वहाँ हो सके और ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन वहाँ हो सके, ठीक है, फर्टिलाइज ओवम का इम्प्लांटेशन हो सके। हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सप्रेस प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा उस समय क्या होगा कि FSH और LH का जो प्रोडक्शन है उसको वो सप्रेस कर देंगे और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेंटेन रहेगी। फॉलिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ट्रिगर्ड मेंस्ट्रुअल एंड बीइंग फॉर नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो जब कॉर्पस एल्बिकेंस में बनी थी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी वो वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी वहाँ पे कम हो गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट साइकिल के लिए वहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया है, तो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन था वो पहले कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट हो रहा था। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया है तो उस वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो गया है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो भी धीरे धीरे वापस से नेक्स्ट साइकिल की ओर चली जाती है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो आप ये टेम्परेचर वाला देख रहे हैं, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या होता है, 14 डेज पे क्या होता है, ओवुलेशन के टाइम पे जब ओवम रिलीज होता है उस समय क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर, वुमेन की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है। ठीक है, 1 डिग्री जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसमें इंक्रीज होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।